कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात, सतना में पशु क्रूरता का बड़ा मामला सामने आया। एक जिंदा कुत्ते को नदी में बहाने की कोशिश की गई, इसके मुंह और पैर को बांधकर नदी में बहाने की कोशिश हुई। ऑटो में लेकर ये लोग 6 कुत्तों को पहुंचे हुए थे, ये इस तरह की कोशिश कर रहे थे, ये वहशियाना हरकत कर रहे थे, तभी राहगीरों ने इन कुत्तों को आजाद कराया। कुछ लोग इन्हें पुल से फेंकने की फिराक में थे। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पूरा घटनाक्रम यार तो बता दूं कि ये सतना नदी का मामला है। सतना नदी में ये आवारा जो कुत्ते हैं उनको पकड़कर ऑटो में ले जाया गया था और उसको फेंकने की कोशिश की जा रही थी। उसी समय कुछ राहगीरों की नजर इन पे पड़ी और जो वो कुत्ते थे वो चीख पुकार कर रहे थे, आवाज दे रहे थे। तो ऐसे में राहगीरों की नजर पड़ी और उन्होंने जब देखा तो गोदियों में बंद कुत्ते बंद थे जिनको जिंदा मारने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए सभी कुत्तों को सुरक्षित गोदी से निकलवाया, उनके हाथ जो उनके पैर और मुंह थे उनको खुलवा के आजाद कराया। ये कुत्ते 10 की संख्या में थे। 4 तस्वीरें नजर आ रही हैं जबकि 6 कुत्तों को पहले ही उन्होंने राहगीरों ने सुरक्षित निकाल दिया था और कुल 10 कुत्तों को लेकर जिंदा मारने का प्रयास किया गया। और जो जानकारी सामने आ रही है, एक काका ढाबा संचालक हैं जिनके यहाँ आवारा कुत्तों की भरमार थी और उन्होंने इन ऑटो चालकों को पहले शराब पिलाई और इसके बाद कुछ पैसे देकर इनको जिंदा मारने का प्रयास कराया। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, सीएम ने की है समीक्षा बैठक। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा हुई है। प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में जो श्री अन्न है यानी मिलेट्स है वो अब शामिल होगा। नापतौल विभाग के अमले की यूनिफॉर्म भी तय की जाएगी। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो विभागीय समीक्षा बैठक, लगातार कामकाज की समीक्षा की जा रही है। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, और क्या कुछ खास? एक तो मिलेट्स राशन में शामिल होगा, अमला यूनिफॉर्म पहना हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डिपार्टमेंट की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। देखिए, एक बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश की जिसको खाद्यान्न वितरण किया जाता है, तो खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, या देखिए लगातार जिस तरीके से कई जगह से शिकायतें आती हैं कि घटिया क्वालिटी का गेहूं या चावल उनको दे दिया गया, या कई जगह शिकायतें ये आती है कि समय पर खाद्यान्न वितरण नहीं होता है, तो उसको लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि समय पर वितरण किया जाए और उसकी गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए। यानी जहां भी इसका भंडारण होता है उस वो जगह जो है वो बेहतर साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो महत्वपूर्ण जो जिक्र है वो इस बात का है कि मिलेट्स को जो है अब वो इसमें शामिल किया जाए। देखिए, श्री अन्न मध्य प्रदेश की सरकार ने, या कहे मोदी सरकार ने, इसको नाम दिया है, मिलेट्स को इसमें शामिल किया जाए, तो न केवल गेहूं और चावल बल्कि जो मिश्रित जो अनाज है उसको जो है वो लोगों को देना है। इसके अलावा जो कर्मचारी तैनात रहते हैं वो वर्दी में रहे, ड्रेस में रहे, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन भी आसानी से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए अच्छी और बड़ी खबर। वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान करने का आदेश जारी हो गया है। आपको याद दिलाएं कि प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इससे पहले जो दर थी वो 42% की थी। कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया गया था। भुगतान 1 अप्रैल 2024 से किया गया। खबर जबलपुर से, जहां युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया है। घमापुर थाने के बाहर ये चक्का जाम किया गया। पूर्व विधायक अंचल सोनकर भी इसमें शामिल हुए। थाना प्रभारी समेत स्टाफ, जो पूरा स्टाफ है थाने का, उस पर गंभीर आरोप भी पूर्व विधायक ने लगाए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिला वो करवाएगा क्या अभी तक?
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाने की जलाओ, बंद करो, बंद करो, दारू सट्टा बंद करो, बंद करो, बंद करो। थान वो चलाएगा क्या, जिला वो चलाएगा क्या, मटर वो करवाएगा क्या? अभी तक खाने की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाने की दलाली बंद करो, बंद करो, सत्ता बंद करो, बंद करो, बंद करो। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? जी बिल्कुल, ये जो कल रात में घटना हुई थी जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, इसमें अभी तक का जो अपडेट है कि परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और पूर्व विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है, लेकिन पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन पूर्व विधायक ने काफी गंभीर आरोप पुलिस विभाग पर लगाए हैं। जुआ सट्टा और अपराधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर के प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती के साथ में अपराधियों पर लगाम कसने का आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में अब रक्षाबंधन के पर्व पर गैर हिंदू महिलाओं को दिए जाने वाले 250 रुपए को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो इस त्योहार को मनाते हैं उन्हें ही पैसा मिलना चाहिए। उनकी माने तो जो इस त्योहार का विरोध करते हैं ऐसे लोगों को राशि देने का अर्थ है कि हम गलत दे रहे हैं। कि जो रक्षाबंधन त्योहार में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं, जो इस हिंदू त्योहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्योहार को स्वीकार ही नहीं करते, जो इस त्योहार को मानते नहीं, जो ये त्योहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं हैं, अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार को मेरा आग्रह है, सुझाव है कि ये विचार करना चाहिए कि जो रक्षा की विभाजनकारी मानसिकता रघुनंदन शर्मा जी की नहीं है, बल्कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की है। जो विभाजनकारी सोच रखते हैं, जो ऐसी प्रदूषित मानसिकता के साथ विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है, मैं मुस्लिम धर्म से आता हूँ, मेरी बहनें भी कई सारे ऐसे हमारे परिवार से जुड़े हुए हिंदू परिवार से आने वाले लोग हैं जिनको राखी बांधती हैं, तो किसी एक को देंगे या किसी को नहीं देंगे ये शायद मुख्यमंत्री के लिए भी एक अपमानजनक बात होती है। और मुख्यमंत्री किसी धर्म से नहीं होता, मुख्यमंत्री का धर्म सबका धर्म होता है। 15 अगस्त जैसे मौके पर पुलिस वालों की टीम को आपने बैंड बजाते देखा होगा, लेकिन क्या कभी पुलिस वालों का बैंड बजते सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। खबर भोपाल से, एमपी के अलग अलग जिलों के पुलिस जवानों को 15 अगस्त के दिन परेड में बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी जानी थी। सीएम का आदेश आया था कि हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना की जाए। इसके बाद एसपी ने अपने अपने पुलिस जवानों को बैंड बजाने के लिए प्रशिक्षण के लिए कहा, ट्रेनिंग के लिए कहा। कुछ जवानों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनकी ड्यूटी जनरल काम के लिए हुई है, बैंड बजाने के लिए नहीं है। अब बैंड बजाने से मना करने वाले 25 जवान हो गए सस्पेंड। ये जवान मध्य प्रदेश के रायसेन, मंदसौर, खंडवा, हरदा और सीधी जिले के थे। इधर इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पुलिस कर्मचारियों के सस्पेंशन पर सवाल उठाए हैं। जब पुलिस वालों से उनके स्वभाव के विपरीत काम कराया जाएगा तो इस तरह की अनुशासनहीनता होगी। बीजेपी का यह कहना है कि यह पुलिस का अंदरूनी मामला है, नियम और अनुशासन के मामले में कार्रवाई की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिपाही की भर्ती किस काम के लिए हुई है? प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो जिस काम के लिए उनकी भर्ती हुई है उसके अलावा दूसरे काम उनसे क्यों लिए जा रहे हैं? अब वो कह रहे हैं हमसे बैंड बजाना नहीं आता, हम ये काम नहीं करेंगे।
तो आपने उन्हीं की बैंड बजा दी। नियम बने हैं या कोई भी अनुशासन का मामला और कोई अनुशासनहीनता कहीं सामने आती, कहीं नियमों का उल्लंघन आता है, कहीं आदेश के पालन के परिप्रेक्ष्य में भी कोई इस तरह का निर्णय लिया जाता है, तो ये उनका विषय है। निश्चित तौर पर हर विभाग के अंदर अनुशासन जरूरी है, आदेश का पालन जरूरी। यदि किसी प्रकार के आदेश की अवहेलना हुई या नियम टूट रहे हैं या यदि अनुशासन बिगड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फीस रिफंड और नए स्कूल फीस स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। जिला स्तरीय स्कूल फीस निर्धारण कमेटी ने स्कूल फीस का स्ट्रक्चर तय किया था। 11 निजी स्कूलों पर 80 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी निकाली गई थी। अभिभावकों को अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस करनी थी। निजी स्कूलों ने जिला फीस निर्धारण कमेटी के फैसले को हाईकोर्ट से चुनौती दी। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निजी स्कूलों के पास राज्य फीस निर्धारण कमेटी में अपील का प्रावधान उपलब्ध है। और अब आपको दिखाते हैं अजब गजब आंदोलन। सड़कों के गड्ढों से निजात पाने के लिए एक अनोखा आंदोलन किया गया। आप भी देखिए, बाम लगाएं, दर्द भगाएं। ऐसा अजब गजब आंदोलन आपने पहले न देखा होगा न सुना होगा। अगर सिर चकराए, कमर दर्द करे, पीठ दर्द से निजात पाना है तो बाम लगाइए। ये किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं हो रहा, बल्कि मुसाफिरों को राहत देने के लिए ये तरकीब लगाई गई है। बुरहानपुर के लोनी गांव में लोग जो है वो कमर दर्द और पीठ दर्द से निजात पाने के लिए पेन किलर बाम आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इनकी शारीरिक पीड़ा जो है वो उसका कारण, मुख्य कारण है ये सड़क, ये जर्जर सड़क जो लोनी गांव में ये सड़क है, ये बुरहानपुर से अंकलेश्वर जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों को ये सड़क जोड़ती है। जर्जर सड़कों की खबर लेने वाला कोई नहीं। गड्ढों को लेकर भी कई बार प्रदर्शन किया गया, गांधीगिरी का तरीका अपनाया गया, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती तो बुरहानपुर में बाम आंदोलन शुरू कर दिया गया। देखिए, ये झंडू बाम आंदोलन हमने इसको नाम दिया है। कुछ दिनों पहले हमने गुलाब आंदोलन किया था, उस पर केवल आश्वासन मिले, इसलिए झंडू बाम आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोड की हालत कितनी बेहतरीन है और कितनी अच्छी है। नेताओं द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है और इस रोड की हालत विगत 15-20 वर्षों से जो कि तो बनी हुई है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएँ हो रही है, रोज बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, साधनों का नुकसान हो रहा है और लोगों में तरीके तरीके के हाथ पैर दुखने का, पीठ दुखने का बीमारियां लग रही है। इसीलिए हमने झंडू बाम आंदोलन चालू किया है ताकि लोगों को कुछ हम हद तक दर्द से छुटकारा दिला पाए। जो पद पे बैठा है वो जिम्मेदार है, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को दर्द हो, हमें उसकी परवाह नहीं। हमको हमारी सड़क बना दे, जो सड़क बनाएगा हम उसको लड्डुओं में, लोनी में, इसी सड़क पर तोलेंगे, और नहीं करेंगे तो ऐसे आंदोलन हम करते रहेंगे। अगर ये बाम आंदोलन भी रंग नहीं लाया तो जिम्मेदारों को जगाने के लिए किया जाएगा लड्डू आंदोलन। आखिर कब ये तस्वीर बदलेगी? बुरहानपुर में गणेश बाविस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करेंगे विदिशा की। यहां के ग्यारसपुर तहसील में हैदरगढ़ में खस्ताहाल सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई। दरअसल यहां जल जीवन मिशन के तहत हैदरगढ़ नगर में सड़कों को खोदकर पाइपलाइन डाली गई थी। पाइपलाइन डालने के बाद ठेकेदार खुदी हुई सड़कों को वैसे ही छोड़ गया। आए दिन राहगीर कीचड़ और पानी से भरे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। लोगों ने सड़क पर धान लगाकर इस बात का विरोध जताया। सरपंच ने कहा कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा। कारण जाहिर है, धान लगाना लगभग 18 महीने पूर्व में पीएसी द्वारा पाइपलाइन खोदी गई थी। अभी तक ना गड्ढे खुले हैं ना सीस भी डाली है। और मेरी इन सब इंजीनियर से लेके इस आपका पीएच सभी अधिकारियों से इस विषय में चर्चा हुई, विधायक जी से भी, मेरे जिलाध्यक्ष जी से भी हुई, जनपद अध्यक्ष से भी बात हुई। इस वजह से कोई खामी नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस विषय में।
रतलाम पुलिस ने शहर के ही नहीं बल्कि देश के बहुचर्चित MTFE घोटाले में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस मामले में फर्जीवाड़े की 44 लाख रुपए की रकम वापस भारतीय अकाउंट में जमा करवाने में कामयाबी हासिल की, सफलता हासिल की। इसमें 108 करेंसी शामिल है जबकि 26 करेंसी में पैसा जब्त किया गया है। इस मामले में 7 गिरफ्तार हुए हैं। मणिपुर के मास्टरमाइंड इनाकू पे में और मर्सी पे में अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। MTFE का जो मामला पिछले साल अगस्त में हम लोगों ने कायम किया था, जिसके अंदर लगभग 8 लोगों को हम लोग पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। उसमें जो पैसा लोगों का हमारे पास शिकायत आई थी कि ये पैसा जो है वो जा चुका है, उसको ट्रेस करते करते जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बाइनेंस की जो एक कंपनी है जो पहले उसका चाइना में स्थापित हुई थी और उसके बाद अभी जापान और सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उससे हम लोगों ने अब 44 लाख रुपीज़ जो है वो जब्त कर लिए है। अलग से उनके द्वारा जो है वो पैसा वापस उठाया हुआ है, उसको अभी हम लोगों ने जब्ती में लेकर। विदिशा में एक तरफ जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शिरीष रघुवंशी के कुत्ते के लिए सरकारी अस्पताल से साहब के बंगले पर दूध और रोटी पहुंचाई जाती है, लेकिन अस्पताल में मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था तक नहीं। न्यूज 18 की पड़ताल में जिला अस्पताल की हकीकत सामने आई। अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी का अंबार है। कुछ साल पहले ही करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग का प्लास्टर जगह जगह से गिर रहा है। न्यूज 18 से मरीज के परिजनों ने कहा कि डॉक्टर साहब के कुत्तों को जिला अस्पताल से दूध रोटी दी जाती है और मरीजों के परिजन से ढाबे पर जाने के लिए कहा जाता है। जिला अस्पताल के पास से मरीज के परिजनों से हमने बातचीत भी की। मैं इस वक्त मौजूद हूं विदिशा जिला अस्पताल में और विदिशा जिला अस्पताल के कुछ यहां पर मरीज के परिजन भी यहां पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं जिस तरीके से यहां पर, कहां से आप भैया आए हुए? भैया क्या मामला है आपके यहां? क्या कल सर हमारा मोबाइल चोरी चले गया और खाने वाले पर्ची मांगते तो वो कहते हैं लेडीजों को देंगे और जेंट्सों को नहीं देंगे। हम खाना खाने कहां जाएंगे? वो कहते होटल पे जाइए। अब होटल पैसे नहीं है तो कहां जाएं? और ऐसे में मोबाइल की जानकारी लेने का 106 नंबर पे तो कहना है टीवी बंद है, कैमरे बंद है पूरे। फिर क्या करें सर, अब बताइए। कल एक वीडियो यहां पर आया था, एक अधिकारी के सरकारी निवास पर यहां पर कुत्ते के लिए 4 दूध के पैकेट पहुंचे हैं और रोटियां पहुंची सरकारी अस्पताल से। इंसानों तो मिले सर, कुत्ताओं तो मिल रही है, इंसानों क्यों नहीं मिल रही? इंसान कहां जाएगा? इंसान ऐसे मरीज के संग रहेगा तो मरीज को तो अंदर मिल जाएगा, वो भी आधा कच्चा आधा पक्का मिल रही है, वो मरीज भी नहीं खा पा रही है, तो मरीज भूखा मरेगा क्या? नहीं अच्छा, ऐसी बिल्डिंग जो बनती है कहीं ना कहीं मरीजों की जान का खतरा भी है। खतरा है, लेटरिन बाथरूम बिगड़ रही है उसमें, मतलब वो भी नहीं, गंदगी होती है, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर विदिशा जिला अस्पताल की बात करें यहाँ पर तो हालात, यहाँ पर लोगों ने बयां किया है कि यहाँ पर मरीजों को यहाँ पर खाना, उनके परिजनों को यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकारी अधिकारी के यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर दूध के पैकेट रोटी यहाँ पर खा रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहना है कि उनके यहाँ पर मोबाइल चोरी हो रहा है, व्यवस्था ठीक नहीं है। वहीं जिला अस्पताल की बिल्डिंग जो अभी हाल ही में कुछ सालों पहले यहाँ पर बनी हुई है वो भी यहाँ पर जर्जर और क्षतिग्रस्त यहाँ पर होने लगी है। दिनेश यादव, न्यूज 18, विदिशा। सीहोर में रपटे को पार करते वक्त एक युवक बह गया। रपटे पर पानी का तेज बहाव था लेकिन फिर भी ये युवक रपटे पर चला गया। युवक को खोजने के लिए पुलिस और SDRF ने रेस्क्यू चलाया है। कई घंटे बीत गए लेकिन ये व्यक्ति अब तक नहीं मिला है। श्यामपुर तहसील के अहमदपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और अब बड़ी खबर भोपाल से। फिर कर्ज लेने जा रही मध्य प्रदेश सरकार। सरकार RBI से कर्ज लेगी 11 साल के लिए 2500 करोड़। 2500 करोड़ का लोन लेने जा रही है सरकार। 7 अगस्त को सरकार को कर्ज की रकम मिल जाएगी। बॉन्ड गिरवी रखकर सरकार कर्ज लेगी। तो एक बार फिर कर्जदार बनने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार, या कहें मध्य प्रदेश। लगातार इस बात को लेकर विपक्ष आवाज भी उठाता है, आर्थिक स्थिति आर्थिक सेहत को लेकर। और अब सरकार RBI से कर्ज लेने जा रही है 11 साल के लिए। 2500 करोड़ का ये पूरा कर्ज होगा। 7 अगस्त को कर्ज की रकम मिल जाएगी, कर्ज के पैसे मिल जाएंगे, लोन मिल जाएगा। इसके लिए सरकार बॉन्ड गिरवी रखेगी और RBI से कर्ज लेगी। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक और कर्ज
ललित आपने ठीक कहा कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता रहे इसको लेकर लगातार कर्ज ले रही है और उसी कड़ी में एक बार फिर 11 साल के लिए 2500 करोड़ का जो है वो एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। जो तमाम जो पहले भी हमने देखा कि हर योजना के बाद जो है वो नए कर्ज लेना पड़ता है और उसी कड़ी में ये कर्ज लिया जा रहा है। हालांकि सरकार से जो जुड़े लोग हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि हर सरकार कर्ज लेती है, कोई नई बात नहीं है। देखिए ये जो बॉन्ड गिरवी रख के सरकार 6 तारीख को उसके ऑप्शन RBI के जरिए कराने वाली है और 7 तारीख को जो राशि है वो सरकार के खाते में आ जाएगी। तो अब देखना होगा कि इस कर्ज को लेकर किस तरह से मध्यप्रदेश में और सियासत होती है, क्योंकि जब जब मध्यप्रदेश सरकार ने कर्ज लिया उसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होता रहा है। जी जाहिर तौर पर क्योंकि फ्री ब्रिज के मामले में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब टॉप 20।